वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के न्यूली लॉन्च टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। हमें बॉश कंपनी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन क्यों परचेज करनी चाहिए, क्या हमें इसमें फीचर्स मिलते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब चीजें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉश ब्रांड के बारे में। बॉश जो कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, तो जर्मन कंपनी का इंजीनियरिंग, उसका टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट देखा जाता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो जर्मन कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसी तरीके से बॉश की इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लुक्स और स्टाइलिंग की बात करें तो बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन एकदम प्रीमियम दिखती है, लुक वाइज काफी स्टाइलिश दिखती है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल्स की बात करें तो आपको बैक साइड इसके सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। वॉशिंग मशीन यूज करते हुए कभी पानी लगने का या गीले हाथ लगने का चांसेस इसमें नहीं रहता। कई बार लेडीज घर में क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक की तरह वॉशिंग मशीन को यूज करती हैं, गीला कपड़ा निकालने और डालने में इसके जो पैनल में है कभी भी पानी जाने का चांस नहीं रहता है। इस वॉशिंग मशीन के जॉब डायल की बात करें तो सेम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वाला प्रोग्राम सिलेक्टर नॉब आपको बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिलता है। इसको यूज करना काफी इजी होता है और काफी कन्वीनियंट होता है। बॉश की इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको दो मोड्स देखने को मिलते हैं, स्मार्ट मोड और एक्सपर्ट मोड। स्मार्ट मोड का मतलब अगर आप जल्दी में हैं और प्रोग्राम वगैरह अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते, घर पे कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें वॉशिंग मशीन ऑपरेट करना नहीं आता, को नहीं पता है कि कौन सा प्रोग्राम के कौन से कपड़ों को वॉश करना चाहिए, उनके लिए बेसिकली ये स्मार्ट मोड इस वॉशिंग मशीन के अंदर आता है। जैसे ही आप इस वॉशिंग मशीन को पावर ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्मार्ट सर्विस मोड में चली जाती है। इसमें वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री के लोड के हिसाब से प्रोग्रामिंग और टाइमिंग वगैरह खुद से एडजस्ट करती है। इस स्मार्ट मोड के अंदर आपको लॉन्ड्री के वेट के हिसाब से आपको बेस्ट वॉशिंग के रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट मोड आपको मिलता है इसमें एक्सपर्ट मोड। इसमें आप वॉशिंग मशीन को अपने हिसाब से एक्सपर्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। कई सारे डिफरेंट वॉशिंग के प्रोग्राम्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, रिंस साइकिल को एड ऑन कर सकते हैं, एंटी टैंगल मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं या ड्राइंग के लेवल को भी आप बढ़ा सकते हैं। सोक का टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। फेवरेट के प्रोग्राम में आप कस्टमाइज करके अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट वॉशिंग स्टाइल के हिसाब से आप इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड वॉशिंग मशीन के डोर की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम आपको बॉश की इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन पे डोर पे मिल जाता है। इसमें वॉशिंग मशीन का डोर सॉफ्ट तरीके से क्लोज होता है। कोई एक्सीडेंटल इंजरी होने के चांसेस आपको इसके वॉशिंग मशीन के डोर पे देखने को नहीं मिलता है। हम लोग इस वॉशिंग मशीन को ओपन करके इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। जैसे ही इस वॉशिंग मशीन के डोर को आप ओपन करते हैं तो ऊपर ही आपको इसका ग्रीन कलर का लेवल इंडिकेटर का फीचर देखने को मिलेगा। जब वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के लिए सर्विस इंजीनियर घर पे आता है तो वॉशिंग मशीन के लेग्स को एडजस्ट करके उसको स्ट्रेट लेवल पर सेट कर देता है, लेकिन कुछ समय तक जब हम लोग वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं तो वॉशिंग मशीन का जो लेवल होता है वो अनइवन हो जाता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन वॉशिंग, रिंसिंग और स्पिनिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाइब्रेट करती है, तो लेवल का एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ये लेवल इंडिकेटर आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वॉशिंग मशीन का लेवल अनइवन हो चुका है, जिसकी वजह से स्प्रिंग और ड्रम वगैरह कहीं ना कहीं एक साइड को टिल्ट हो जाएगा तो उसके डैमेज होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। बट अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर लेवल इंडिकेटर है तो यूज करने के साथ साथ अगर आपको दिखता है कि वो ग्रीन इंडिकेटर के अंदर जो बबल है वो अपनी जगह से लेफ्ट या राइट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको लेग्स को एडजस्ट करके उसको बैलेंस करना होगा। तो वॉशिंग मशीन को खुद से ही बैलेंस करके आप उसका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये लेवल इंडिकेटर का फीचर आपको बॉश के हर एक टॉप लोड मॉडल्स में देखने को मिल जाता है। देन हम इस वॉशिंग मशीन के ड्रम की बात करें तो स्टेनलेस स्टील का ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है, जो काफी वाइडर होता है और काफी डीपर होता है, जिसके ऊपर आपको वेव ड्रॉपलेट डिजाइन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसके ड्रम को हाथ से टच करके फील करते हैं तो सॉफ्ट टू हार्ड सरफेस आपको फील होता है, तो एकदम जेंटल स्क्रबिंग आपको अपने कपड़ों के अंदर इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। देन ड्रम के नीचे लगे हुए पल्सेटर डिजाइन की बात करें तो सेम फ्रंट लोड वाला पैडल डिजाइन आपको बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जिसका डिजाइन आप देखेंगे तो एक साइड से फ्लैट और दूसरी साइड से स्लोप आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये पल्सेटर क्लॉक एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है तो इसके पैडल के यूनिक डिजाइन होने की वजह से एक साथ आपको जेंटल और इंटेंसिव क्लीनिंग आपको अपने कपड़ों के अंदर इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है। और आप देखेंगे तो इसी पल्सेटर के अंदर आपको 3 कैम इंपेलर
कूलर्स भी लगे हुए देखने को मिलते हैं, जिसको अगर आप अपने हाथ से रोटेट करके देखते हैं तो इसमें आपको अप एंड डाउन मूवमेंट का सिस्टम देखने को मिलेगा। इसकी हेल्प से आपको अपने कपड़ों के अंदर हैंड वॉशिंग वाला इफेक्ट आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड इसी के साथ ड्रम के साइड में आपको इसके पंपिंग टावर्स लगे हुए देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से पानी का रोटेशन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। डिटर्जेंट जो है प्रॉपरली डिसॉल्व होके आपके कपड़ों में अच्छी तरह से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वॉशिंग के टाइम पे आपने कई बार नोटिस किया होगा जितने भी आपके हैवी क्लॉथ्स हैं वो ऊपर नहीं आ पाते, वो कहीं ना कहीं नीचे वाले एरिया में ही मूवमेंट करते रहते हैं। उसके लिए स्क्रब पैड्स आपको बॉटम साइड में लगे हुए मिलते हैं, जिसकी हेल्प से नीचे वाले हैवी क्लॉथ्स को भी प्रॉपर स्क्रबिंग देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर वॉशिंग के रिजल्ट्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। वॉशिंग करते हुए कपड़ों से अगर कोई लिंट, फ्लप या लूज माइक्रोफाइबर अगर निकलता है तो उसके कलेक्ट करने के लिए भी लिंट फिल्टर आपको वॉशिंग मशीन के ड्रम के ऊपर लगा हुआ मिल जाता है। सारा लिंट वगैरह उसमें कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप बाद में निकाल के प्रॉपर तरीके से क्लीन भी कर सकते हो। इस वॉशिंग मशीन की मोटर की बात करें तो वेरियो इन्वर्टर मोटर आपको बॉश की स्टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाती है, कि एक वेरिएबल स्पीड पे काम करती है, तो वॉशिंग के लोड के हिसाब से ये पावर कंज्यूम करके एनर्जी को सेव करती है। इस मोटर की आउटपुट की बात करें तो 450 वॉट का मोटर आपको बॉश की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। ये मोटर काफ़ी पावरफुल है, ड्यूरेबल है, साइलेंट है और एनर्जी एफिशिएंट है। वॉशिंग मशीन के अंदर वाटर इनटेक करने के लिए हॉट एंड कोल्ड दो इनलेट आपको वॉशिंग मशीन के अंदर लगे हुए मिलते हैं। तो जहां पर आपने ये वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करना है, अगर वहां आपके पास गीजर कनेक्शन अवेलेबल है तो कोल्ड एंड हॉट दोनों इनलेट के साथ इस वॉशिंग मशीन को आप कनेक्ट करके आप इसमें हॉट वॉश का भी फीचर ले सकते हैं। एंड इस वॉशिंग मशीन की मोबिलिटी की बात करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ये वॉशिंग मशीन को मूव करना है तो वॉशिंग मशीन के बॉटम रियर साइड में इसके दो व्हील्स आपको लगे हुए मिलेंगे एंड अपर साइड में दो हैंडल्स मिल जाते हैं। तो इन हैंडल्स के सपोर्ट से आप वॉशिंग मशीन को हल्का सा टिल्ट करके आप एक जगह से दूसरी जगह इस वॉशिंग मशीन को इजीली मूव करा सकते हैं। देन लास्ट में हम बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन की वारंटी एंड सर्विसेज की। तो 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है एंड जो इसकी मोटर है उसके ऊपर आपको 10 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको बॉश की न्यूली लॉन्च टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। एंड बॉश की इस टॉप लोड रेंज के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मॉडल्स का बाइफरकेशन मिल जाएगा, आप एक बार जाके उन सारे मॉडल्स को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।